नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले रेडमी 3S प्राइम के बारे में, और जिसमें हमने लेटेस्ट नया रोम डाला है जिसका नाम है जिरकोनियम AOSP। बेसिकली ये जो सो अभी अनऑफिशियल है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी ये जो सो फ़ोन है रेडमी 3S प्राइम है और एंड्रॉयड वर्जन 9 है। सो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इस रोम में हमें मिलता है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, आप देख सकते हैं 5 मार्च 2019 वाला आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। ये बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है, ये थोड़ा सा बुरा बात है, बट ये जो सो ऑफिशियल बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कमेंट आ रहा है XDF फोरम पे। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं इस रोम में क्या क्या खास मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं नेविगेशन बार मैंने ओपन किया हुआ है, और बेसिकली मेरे फ़ोन का नेविगेशन बटन भी अच्छा है, काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस रोम में आपको जो सो ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है। यहाँ पे कैमरा टू API आपको प्री इनेबल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्वाइप डाउन गेस्चर मिल जाता है, स्वाइप अप गेस्चर मिल जाता है। इसके अलावा जो आपको प्री इनबिल्ट जो कैमरा मिलता है वो है आपको स्नैपड्रैगन वाला कैमरा, आप देख सकते हैं ये कैमरा मिलता है, और इससे आप इमेज और वीडियोज़ दोनों बना सकते हो। तो हमने अभी इमेज लिया था, और अभी आप देख सकते हैं ये जो सो हमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए यहाँ पे अगर हम फ्रंट की बात कर ले, तो दोस्तों फ्रंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम कैमरे पर बात कर लेते हैं, तो चलिए हम इसे कैमरे पे लेके आते हैं, और यहाँ पे हमें फेस डिटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और आप देख सकते हैं सेल्फी में फ्लैश काइंड ऑफ यूज हो रहा है। ओके इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई EIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इसको कह सकते हैं कस्टमाइजेशन इन कैमरा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गूगल कैमरा का, तो जो XDF फोरम पे आपको गूगल कैमरा मिलेगा रेडमी 3S प्राइम के लिए, वो गूगल कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया और इसके बाद में ये ओपन हो पा रहा है, बट जब हम क्लिक करते हैं इसे इमेज तो काफ़ी देर बाद में क्लिक तो होता है लेकिन ये क्रैश कर जाता है। सो इसका फिक्स आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रैश कर गया। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है रोम, चलिए हम आपको बता देते हैं क्यों। यहाँ पर जब हम आते हैं जिरकोनियम हब में, तो यहाँ हमें स्टेटस बार को ट्विक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ओके एंड चलते हैं हम इसके अलावा नेविगेशन बार पे, तो नेविगेशन हमारा मिल जाता है। ओके एंड देन गेस्चर्स में, तो गेस्चर में हमें नेविगेशन स्वाइप अप गेस्चर मिल जाता है, तो इसको हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो गेस्चर है, मतलब ये वन प्लस वाला गेस्चर है, तो ये अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब लॉक स्क्रीन की, तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में आपको शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाता है ठीक करने का, चलिए बढ़िया। लेकिन यहाँ पे पावर मेनू में अभी भी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, मतलब ये अभी भी स्टेबल नहीं है। यहाँ पे बटन में भी कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये है इस रोम के बारे में। इस रोम के और भी चीज़ें मैं बता दूँ, तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, मैं इसे करीब करीब आज जो सो डे से यूज़ कर रहा हूँ। और चलिए हम आपको थोड़ा सा डिजिटल वेल्विंग दिखा दे, यहाँ पर आपको ये भी फीचर मिल जाता है, और ये जो सो अभी मैंने इसे रिफ्लैश किया था आपको दिखाने के लिए क्लीन करके, तो आप देख सकते हैं 16 मिनट से अभी ये चल रहा है, और ये इस तरीके से हमें मिल जाता है। तो आपको डिजिटल वेल्विंग का भी फीचर मिल जाता है, जिसमें आप यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए आपके फ़ोन का हेल्थ और आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया इस चीज़ के लिए। इसके अलावा आपको एक और मस्त सा फीचर मिलता है, वो ये है कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप आएंगे एडवांस में, यहाँ आपको मिल जाएगा एम्बिएंट डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन, न्यू नोटिफिकेशन, ये दोनों कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही ऑफ़ करोगे तो आपको ऑलवेज ऑन, मतलब कि सैमसंग वाली फीलिंग इस तरीके से मिलेगा। देख सकते हैं टाइमर एंड यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी का बैकअप वाला परसेंटेज, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस वजह से यहाँ पर बैटरी ज़्यादा आपका ड्रेन हो सकता है, तो आप इसे बंद करके रखो, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये AMOLED स्क्रीन नहीं है, ये पूरी की पूरी स्क्रीन चलती रहती है, और उस बाकी जो भी पिक्सल्स है उसको ब्लैक किया जाता है, इस वजह से ये बैटरी ड्रेन होगा। इसके अलावा आपको जो सो डिस्प्ले साइज़ मिल जाता है चेंज करने के लिए, या देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, एम्बिएंट डिस्प्ले लगा सकते हैं, और आपको जो सो यहाँ पर थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए कलर थीम में आप पिक्सल, ग्रे, पिंक, कोई भी थीम हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोन का सारा कुछ पिंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइस थीम, जो भी आपको बेस्ड ऑन है लाइट डार्क, जो भी डार्क मोड भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप सिस्टम थीम भी जो कि ओमनी थीम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लटी पिंक, स्मोकी ग्रीन, तो चलिए हम स्मोकी ग्रीन पर क्लिक कर लेते हैं, और स्मोकी ग्रीन को हम
यहाँ पे यूज करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सेलेक्ट थीम के लिए, और अब जो सो हमारा फ़ोन जो सो स्मोकी ग्रीन हो गया। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको थीम वगैरह चेंज करने को मिल जाता है। बैटरी में आपको मिल जाएगा इस तरीके से बैटरी ऑप्शन, यहाँ पे आपको बैटरी मैनेजर भी मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है जो हमारा एंड्रॉयड पाई वाला बैटरी मैनेजर है, ये चीज़ जो कि आपको डिटेक्ट करेगा किस तरीके से आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लूटूथ वाईफाई और वोल्टेज सब कुछ वर्किंग है। सो मैंने टेस्ट किया था, अभी फ़िलहाल इसमें से मैंने सिम निकाल रखा है। चलिए तो दोस्तों लगभग मैंने सारा फीचर आपको बता दिया इस रोम के बारे में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको फ्लैशिंग देखना है तो आप ज़रूर से देख सकते हैं, आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्लैशिंग मेथड सभी एंड्रॉयड रोम का सेम ही होता है। ओके तो दोस्तों यहाँ पे जो इस रोम में हमें मिलता है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच, आप देख सकते हैं 5 मार्च 2019 वाला आपको सिक्योरिटी पैच मिल जाता है, ये बढ़िया बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं है, ये थोड़ा सा बुरा बात है, बट ये जो सो ऑफिशियल बहुत जल्द हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे कमेंट आ रहा है XDF फोरम पे। ओके सो अब हम बात कर लेते हैं इस रोम में क्या क्या खास मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं नेविगेशन बार मैंने ओपन किया हुआ है, और बेसिकली मेरे फ़ोन का नेविगेशन बटन भी अच्छा है, काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इस रोम में आपको जो सो ब्लॉटवेयर्स नहीं मिलता है, यहाँ पे कैमरा टू API आपको प्री इनेबल मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्वैप डाउन गेस्चर मिल जाता है, स्वैप अप गेस्चर मिल जाता है। इसके अलावा जो आपको प्री इनबिल्ट जो कैमरा मिलता है वो है आपको स्नैपड्रैगन वाला कैमरा, आप देख सकते हैं ये कैमरा मिलता है, और इससे आप इमेज और वीडियोस दोनों बना सकते हो। तो हमने अभी इमेज लिया था, और अभी आप देख सकते हो ये जो सो हमने वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए यहाँ पे अगर हम फ्रंट की बात कर ले तो दोस्तों फ्रंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम कैमरे पर बात कर लेते हैं तो चलिए हम इसे कैमरे पे लेके आते हैं, और यहाँ पे हमें फेस डिटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है, और आप देख सकते हैं सेल्फी में फ्लैश काइंड ऑफ यूज हो रहा है। ओके इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई EIS स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे इसको कह सकते हैं कस्टमाइजेशन इन कैमरा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं गूगल कैमरा का, तो जो XDF फोरम पे आपको गूगल कैमरा मिलेगा Redmi 3S Prime के लिए, वो गूगल कैमरा यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया और इसके बाद में ये ओपन हो पा रहा है, बट जब हम क्लिक करते हैं इसे इमेज तो काफ़ी देर बाद में क्लिक तो होता है लेकिन ये क्रैश कर जाता है। सो इसका फिक्स आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये जो क्रैश कर गया। इसके अलावा यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है रोम, चलिए हम आपको बता देते हैं क्यों। यहाँ पर जब हम आते हैं जाए क्रोनियम हब में तो यहाँ हमें स्टेटस बार को ट्विक करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। ओके एंड चलते हैं हम इसके अलावा नेविगेशन बार पे, तो नेविगेशन हमारा मिल जाता है। ओके एंड देन गेस्चर्स में, तो गेस्चर में हमें नेविगेशन स्वैप अप गेस्चर मिल जाता है, तो इसको हम इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो सो गेस्चर है, मतलब ये वन प्लस वाला गेस्चर है, तो ये अगर आप इसमें यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं अब लॉक स्क्रीन की, तो दोस्तों लॉक स्क्रीन में आपको शॉर्टकट ऑप्शन मिल जाता है ठीक करने का, चलिए बढ़िया। लेकिन यहाँ पे पावर मेनू में अभी भी यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, मतलब ये अभी भी स्टेबल नहीं है, यहाँ पे बटन में भी कुछ नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये है इस रोम के बारे में, इस रोम के और भी चीज़ें मैं बता दूँ तो बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, मैं इसे करीब करीब आज जो सो डे से यूज़ कर रहा हूँ। और चलिए हम आपको थोड़ा सा डिजिटल वेलविंग दिखा दे, यहाँ पर आपको ये भी फीचर मिल जाता है, और ये जो सो अभी मैंने इसे रिफ्लैश किया था आपको दिखाने के लिए क्लीन करके, तो आप देख सकते हैं 16 मिनट से अभी ये चल रहा है और ये इस तरीके से हमें मिल जाता है। तो आपको डिजिटल वेलविंग का भी फीचर मिल जाता है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो चेक करने के लिए आपके फ़ोन का हेल्थ और आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ किया इस चीज़ के लिए। इसके अलावा आपको एक और मस्त सा फीचर मिलता है, वो ये है कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर मिल जाता है। यहाँ पर आप आएंगे एडवांस में, यहाँ आपको मिल जाएगा एम्बिएंट डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन, न्यू नोटिफिकेशन, ये दोनों कर दीजिए। उसके बाद आप जैसे ही ऑफ करोगे तो आपको ऑलवेज ऑन मतलब कि सैमसंग वाली फीलिंग इस तरीके से मिलेगा, देख सकते हैं टाइमर एंड यहाँ पे आपको मिलता है बैटरी का बैकअप वाला परसेंटेज, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, बट इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस वजह से यहाँ पर बैटरी ज़्यादा आपका ड्रेन हो सकता है, तो आप इसे बंद करके रखो, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये AMOLED स्क्रीन नहीं है,
ये पूरी की पूरी स्क्रीन चलती रहती है और उस बाकी जो भी पिक्सल से उसको ब्लैक किया जाता है, इस वजह से ये बैटरी ड्रेन होगा। इसके अलावा आपको जो सो डिस्प्ले साइज मिल जाता है चेंज करने के लिए, या देख सकते हैं आप यहाँ पे डिस्प्ले साइज चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, एम्बियंट डिस्प्ले लगा सकते हैं, और आपको जो सो यहाँ पे थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए कलर थीम में आप पिक्सल, ग्रे, पिंक, कोई भी थीम हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोन का सारा कुछ पिंक हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइस थीम जो भी आपको बेस्ड ऑन है, लाइट डार्क जो भी डार्क मोड भी आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आप सिस्टम थीम भी जो कि ओमनी थीम है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्लटी पिंक, स्मोकी ग्रीन, तो चलिए मैं स्मोकी ग्रीन पे क्लिक कर लेते हैं और स्मोकी ग्रीन को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सेलेक्ट थीम के लिए, और अब जो सो हमारा फ़ोन जो सो स्मोकी ग्रीन हो गया। आप देख सकते हैं ये सारा कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है, आपको थीम वगैरह चेंज करने को मिल जाता है। बैटरी में आपको मिल जाएगा इस तरीके से बैटरी ऑप्शन, यहाँ पे आपको बैटरी मैनेजर भी मिल जाता है, बैटरी परसेंटेज भी मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है जो हमारा एंड्रॉयड पाई वाला बैटरी मैनेजर है, ये चीज़ जो कि आपको डिटेक्ट करेगा किस तरीके से आपका बैटरी ड्रेन हो रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो दोस्तों कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, ब्लूटूथ, वाईफाई और वोल्टेज सब कुछ वर्किंग है। सो मैंने टेस्ट किया था, अभी फ़िलहाल इसमें से मैंने सिम निकाल रखा है। चलिए तो दोस्तों लगभग मैंने सारा फीचर आपको बता दिया इस रोम के बारे में, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, कमेंट, जी हाँ, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए हर दिन एक वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। और दोस्तों अगर इस वीडियो का आपको फ्लैशिंग देखना है तो आप ज़रूर से देख सकते हैं, आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्लैशिंग मेथड सभी एंड्रॉयड रोम का सेम ही होता है।